फ्रेंड्स फाइनली मेरे पास है सबसे कॉम्पैक्ट और पावरफुल ऑटोमेटिक स्टेयर लाइट कंट्रोलर। ये इतने से स्टेयर लाइट कंट्रोलर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वीडियो में मैं आपको इसकी वायरिंग, प्रोग्रामिंग और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। इसको परचेस अगर आपको करना है तो डायरेक्ट सेलर कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने। ब्लैक टी इलेक्ट्रोटेक है सेलर, उनसे आप इसका करंट प्राइसिंग एंड डिलीवरी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है इसका डिटेल्ड यूजर मैनुअल, एक स्क्रू ड्राइवर, ये स्टेयर लाइट कंट्रोलर, दो PIR मोशन सेंसर्स, एक एक्सटेंशन केबल सेंसर के लिए, एक लाइट इंटेंसिटी सेंसर जिसे लक्स सेंसर कहते हैं, और PIR सेंसर्स के होल्डर्स। इस कंट्रोलर के लिए एक स्पेशल LED लाइट लगती है, मैं वो आपको आगे बताने वाला हूँ। कंट्रोलर में लेफ्ट साइड है मेन पावर सप्लाई इनपुट, यहाँ आप 12 वोल्ट से 24 वोल्ट DC पावर सोर्स दे सकते हो। ये ग्रीन कलर के सॉकेट्स ऊपर और नीचे साइड है LED स्ट्रिप लाइट को लगाने के लिए। मैं आपको एक ही स्ट्रिप लाइट को लगाकर दिखाऊंगा, लेकिन स्टेयर्स के दोनों साइड आपको स्ट्रिप लाइट लगाने के लिए यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा। आगे की तरफ है PIR इनपुट A और B, जहाँ हमें दो PIR मोशन सेंसर्स कनेक्ट करने हैं। ये सेंसर दोस्तों आपको 120 डिग्री का डिटेक्टिंग एंगल प्रोवाइड करते हैं और 6 मीटर तक की डिटेक्टिंग रेंज प्रोवाइड करते हैं, विच इज प्रीटी गुड। उसके आगे है लक्स इनपुट C और D। अब आप इन दोनों में से किसी भी एक पोर्ट में लक्स सेंसर को लगा सकते हो। लाइट इंटेंसिटी में आप इसे दिन के कौन से समय इस्तेमाल करें वो सेट कर सकते हो। अब कॉमन सी चीज है, हम ये स्टेयर लाइट इवनिंग और नाइट के टाइम ही यूज करेंगे, तो लक्स हम 5, 15 या 30 पर रख सकते हैं। आपको अगर इसे डे टाइम में यूज करना है तो आप लक्स 50, 100 या 150 पर भी रख सकते हो। अगर आपको लक्स सेंसर यूज नहीं करना है फॉर टेम्पररी रीजन तो आप सीधा ऑफ कर सकते हो। आगे हमें 4 स्विचेस मिलते हैं जिनसे हम ब्राइटनेस, टाइम डिले, स्पीड और एक्स्ट्रा सेटिंग कर सकते हैं। तो अब वायरिंग करते हैं। 12 वोल्ट इनपुट सोर्स के लिए मैं यहाँ पर एक 12 वोल्ट पावर अडैप्टर यूज कर रहा हूँ। उसकी एक अडैप्टर केबल मैंने बना ली है जिसे मैं पॉजिटिव और निगेटिव साइड कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ 12 वोल्ट RGB पिक्सल LED स्ट्रिप लाइट। ये WS2811 LED लाइट है। आपको ध्यान रखना है आप इसमें सिर्फ 12 वोल्ट पिक्सल LED स्ट्रिप लाइट ही यूज कर सकते हो। जो भी सपोर्टेड LED लाइट्स हैं वो यहाँ पर मैनुअल पर आपको मेंशन की है। तो उस LED स्ट्रिप लाइट के अडाप्टर को मैं कंट्रोलर में कुछ इस टाइप से लगाऊंगा। रेड को किसी भी पॉजिटिव सिंबल वाले टर्मिनल पर लगाऊंगा। ग्रीन को डेटा वाले टर्मिनल पर लगाऊंगा और व्हाइट को किसी भी ग्राउंड वाले टर्मिनल पर लगाऊंगा। बॉक्स में दिए हुए स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से आपको ये सारी चीजें करनी है। वायर्स और टर्मिनल्स देखकर ही आप उसे लगाएं। अब हम लगाते हैं लक्स सेंसर को सी पोर्ट में। ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ प्लग कर देना है। एक PIR सेंसर को पोर्ट A में लगाएंगे और दूसरे PIR सेंसर को हम पोर्ट B में लगाएंगे। पिक्सल LED स्ट्रिप लाइट को लगा देते हैं उसके अडाप्टर में। तो फ्रेंड्स हमारी वायरिंग तो हो चुकी है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। सेटिंग देखने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस स्टेयर लाइट कंट्रोलर को आप कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। ये डायग्राम आपको यूजर मैनुअल में भी मिल जाएगी। वैसे आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा। नहीं तो कर दो यार। अच्छा सेटिंग करने के लिए लास्ट स्विच को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। पहला ऑप्शन हमें मिलेगा सी सेटिंग, मतलब यहाँ से आप नंबर ऑफ LED सिलेक्ट कर सकते हो। जैसा इस पिक्सल स्ट्रिप लाइट में टोटल 100 LED है तो मैंने सिलेक्ट किया है 100। अगर आप नंबर कम करते हो तो LEDs का नंबर भी कम हो जाएगा। अगर आप बढ़ाते हो, अगर आपके LED स्ट्रिप लाइट में ज्यादा नंबर्स हैं LEDs के, आप ज्यादा नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हो। वैसे मैक्सिमम इसमें आप 512 तक के LEDs सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड सेटिंग के लिए स्विच को एक बार और प्रेस करना है। ये है चैनल सेटिंग। CH3 मतलब RGB पिक्सल LED स्ट्रिप लाइट और CH1 मतलब सिंगल कलर पिक्सल LED स्ट्रिप लाइट। तो जैसा कि आपको बताया मैं यहाँ पर RGB यूज कर रहा हूँ तो मैं चैनल 3 मतलब CH3 पर ही इसे रखता हूँ। नेक्स्ट है PP। यहाँ से आप आपके RGB स्ट्रिप लाइट का कलर सिलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप नंबर चेंज करोगे आप देख सकते हो कि RGB LED स्ट्रिप लाइट का कलर भी चेंज हो रहा है। वैसे अगर आपको कलर चेंज नहीं करना है, इसे ऑटोमेटिक पर रखना है, तो आप यहाँ पर A सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे हर मोशन सेंस होने के बाद ये LED का कलर नॉट इंस्टेंटली बट धीरे धीरे चेंज होगा। दिस इज अनदर अमेजिंग कूल फीचर। नेक्स्ट है EE मतलब स्पीड ऑफ LED लाइट, यानी कितने स्पीड से लाइट रन होगी। जहाँ 01 मतलब फास्टेस्ट स्पीड, दो LED जलने के बीच का डिफरेंस रहेगा 150 मिलीसेकंड्स, और 99 मतलब स्लोअर स्पीड, दो LED जलने के बीच का डिफरेंस रहेगा 2.6 सेकंड्स। तो आप इनके बीच में कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है LL मतलब टाइम डिले। LL01 मतलब 4 सेकंड्स, तो लाइट्स पूरी जल जाने के बाद 4 सेकंड के बाद ऑफ होना शुरू हो जाएंगी अगर कोई भी मोशन नहीं हुआ तो। LL02 मतलब 6 सेकंड्स, 03 मतलब 8 सेकंड्स और LL99 मतलब 200 सेकंड्स। तो मैंने इसे मिनिमम यानी 4 सेकंड्स पर रखा है। नेक्स्ट है HH मतलब ब्राइटनेस, जहां 99 मींस 100% ब्राइटनेस और 01 मींस 2%
100% ब्राइटनेस। तो अब आपके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्राइटनेस सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने तो फिलहाल इसे 100% पर ही रखा है। दैट इज इट फ्रेंड्स, ये हो गया इसका पूरा प्रोग्रामिंग। अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। जो सेंसर मोशन सेंस करेगा, पिक्सल एलईडी लाइट वहां से जलना स्टार्ट होगी। Amazing. और अगर दोनों सेंसर एक साथ मोशन सेंस करते हैं तो क्या होगा? एलईडी स्ट्रिप लाइट दोस्तों दोनों तरफ से स्टार्ट होंगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जबरदस्त स्टेयर लाइट कंट्रोलर पसंद आया होगा। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है दोस्तों, साइज बहुत ही छोटी है, लेकिन फीचर्स बहुत ही गजब है। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर विजिट करना। स्टेयर लाइट कंट्रोलर के बहुत सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, डू चेक दैट आउट। और चैनल सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।